अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज दानिश उमरो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोर फॉर यू डॉट पी के। गाइस, हमने जो है नोट 10 प्रो जो है वो आपके लिए अनबॉक्स तो नहीं किया था, लेकिन हम जो है नोट 10 प्रो, ये बड़ी रनिंग डिवाइस थी, मार्केट में बहुत शॉर्ट था जिसकी वजह से हम इसको अनबॉक्स नहीं कर पाए। बट ये नोट 10 प्रो आज मेरे हाथ में आ गया है, तो मैं इसका आज गेमिंग टेस्ट देने जा रहा हूँ आपको। देखते हैं इसमें कैसी गेमिंग होती है और इसका परफॉर्मेंस भी मैं आपको बताऊंगा। आपने इसको चेक किया है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है? इतनी ज़्यादा डिमांड है कि मार्केट में शॉर्ट है, कंपनी प्राइस से ऊपर में सेल हो रहा है। सो चलते हैं इसके पबजी टेस्ट की तरफ। सो देखते हैं कि ये पबजी का टेस्ट इसके कितने FPS पे रन हो रहा है, कितनी देर में ऑन हो रहा है। लेकिन उससे पहले इंट्रो। सो गाइस, सबसे पहले जो है हम अपना इसका टाइमिंग चेक करेंगे कि ये हमने कितने टाइम में गेम स्टार्ट होती है। नोट 10 प्रो भाई, लोग पागल हो गए, नोट 10 प्रो चाहिए। तो अब मैं इसकी हम चेक पे जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है। सबसे पहले ऑन करते हैं, देखते हैं कितनी देर में ऑन होता है गेम। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट, 1 2 3। ये 25 सेकंड्स में स्टार्ट हुआ है। सो टाइमिंग तो बहुत अच्छी थी और जो है 25 सेकंड में स्टार्ट हुआ है और इसकी फील और टच भी बेहतर है काफ़ी। और अब हम जा रहे हैं गेम की तरफ, तो हम जो है TDM मोड खेलेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले इसके ग्राफिक्स चेक करते हैं कि ये अपना जो है अपना कौन से ग्राफिक्स तक जा रही है। सो यहाँ पर जो है स्मूथ में अल्ट्रा पे जा रही है, एक्सट्रीम पे नहीं जा रहा है, ये बैलेंस में भी अल्ट्रा पे जा रहा है, HD पे हाई पे जा रहा है और HDR पे नहीं जा रहा। 50,000 की रेंज में फ़ोन है और मेरे हिसाब से तो अब तो ऐसे फ़ोन्स डिवाइसेस देने चाहिए Redmi को जो HDR पे जाना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस यही थी, लेकिन मच बेटर। चलते हैं आगे और इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में ये गेम स्टार्ट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, ये गेम में हम इन हुए, ये साउंड आया 17 सेकंड्स में गेम में इन हो गए। और अब हम इसको खेल के चेक कर देंगे कितने FPS पर जा रहा है ये, और टच वगैरह फील तो मैं आपको दूंगा गेम स्टार्ट हो जाए। टच और फील बेटर लग रहा है मुझे, बट सो गाइज, रेडमी नोट 10 प्रो इसका कैसा लगा फीडबैक आपको? मैं गेम प्ले खेलते हुए मैं मीन्स के अपना एक्सपेक्ट करूं कि पाकिस्तानी
कंपनीज अभी भी वर्क करें गेमिंग पर, मैं नहीं समझता कि परफॉर्मेंस उतनी बेहतर है जितनी अमाउंट का फ़ोन है। अगर आप हमारे ब्रांडेड फ़ोन ही देख लें, आपको यूज़ में मिल जाते हैं 20-25 हज़ार की रेंज में, वो इससे काफ़ी बेहतर गेम रन कर देते हैं। कह सकते हैं कि जस्ट फाइन, नॉट अ गुड प्ले गेम, और इतना कोई खास मुझे मज़ा नहीं आया गेम खेलते हुए। सो गाइज, दिस इज़ माय ट्रू फीडबैक ऑफ नोट 10 प्रो। जितनी हाइप क्रिएट है, जितनी कोई डिमांड है इस फ़ोन की, उतनी परफॉर्मेंस मुझे नज़र नहीं आ रही इसमें। और अगर आप हमारी दूसरी वीडियोस देख लें, R2 की वहाँ पड़ी हुई है जो कि 16,000 में फ़ोन मिलता है, यूज़ में ही मिलता है, भले नया तो नहीं आ रहा, तो कंपनी को एटलीस्ट नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो पैसे ऊपर हम चार्ज कर रहे हैं, 50,000 का फ़ोन ले रहे हैं, तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से स्मूथ एक्सट्रीम पर जाना चाहिए इसको, और टच और फील और इसको 60 FPS में भी मेरे ख्याल से जाना चाहिए था, जो कि नहीं जा रहा, आप गेम प्ले में देख सकते हैं। सो माय फीडबैक इज़ दिस कि आई डोंट लाइक इट इन दिस रेंज, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा फॉर द गेमिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसा फीडबैक और रिव्यूज़ देते रहें, सो हमारी वीडियो ज़रूर देखें, और सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।